हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी ट्विन्स प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी शेयर मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक या फिर कहिए लापरवाही की हैं जिनका रिजल्ट मुझे बाद में झेलना पड़ा। तो मैं आपको वीडियो के जरिए बताना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आप कोई भी गर्भवती महिला है जो मेरा वीडियो देख रही है, तो आप इस समय कृपया करके लापरवाही ना करें किसी भी प्रकार की। तो क्योंकि उस समय हमको लगता है, मुझको भी ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है तो आप समझ सकते हो, तो उसका जो है हमको फिर हम मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब हमारे पास टाइम होता है, अगर हम उस समय लापरवाही ना करें, ध्यान दें, तो हमको इन सब चीजों से हम बिल्कुल बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक की जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो और उनका बाद में मुझे रिजल्ट क्या मिला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरा जो है ये जो ट्विन्स प्रेगनेंसी है, ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी बेबी थी और वो बेबी गर्ल थी, और ये जो ट्विन्स प्रेगनेंसी सेकेंड में, इसमें मेरे बेबी बॉय हुए हैं, ठीक है फ्रेंड, जो कि मुझे चाहिए थे क्योंकि मेरे पास बेटी ऑलरेडी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 की बात है फ्रेंड्स, जो है होली का टाइम था। होली के बाद में ऐसा हुआ था कि मैंने जो है लौकी की भुजिया बनाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन मुझे उस दिन रात का समय था, तो जब मैं उसको खा रही थी और रोटी खा रही थी, तो मुझको महक लग रही थी, जी घबरा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा लगता कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद में फिर हमने कंफर्म किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम टेंशन में हो गए क्योंकि ऐसा था कि उस समय मेरी जो बेटी थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब छोटी थी एक तरीके से, 3.5 साल का बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन तो मैं ये सोच, मुझको करना तो था ही, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि क्या करूं, करूं कि हटा दूं, रखूं कि नहीं। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक बार अबॉर्शन करा चुकी थी, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि नहीं, अब मैं अबॉर्शन नहीं करा पाऊंगी, अब जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि फिर थोड़ा सा घबराने लगते हैं ना, मैं इस चीज से भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझको समझाया कि नहीं, देखो हमें करना तो है ही, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वैसे भी नहीं हमको करना है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये थी कि हमारी उस समय आर्थिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने उस समय, हम स्टडी भी कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले थोड़ा कुछ कर लें, तो थोड़ा बहुत जो है उसके बाद में बच्चा कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बीच में ही ये प्रॉब्लम आ गई, तो और उस समय फिर लॉकडाउन भी लग गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, तो कोई बात नहीं। हमको समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें, तो फिर हम जो है डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, फरुखाबाद में सिमी मैम है, तो हम उनके पास गए, हमने उनसे कहा, हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैम जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है लेकिन अभी हमें नहीं करना है, तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? तो मैम बोली क्यों बेटा क्या हुआ? तो मैंने कहा मैम हुआ कुछ नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो बोले बेटा सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये कर लो, अगर तुम अब फिर दोबारा से हटाओगी या ऐसा कुछ करती हो सकता है तुम्हें आगे प्रॉब्लम हो कंसीव करने में, या बहुत लंबा समय वेट करना पड़े, फिर तुम क्या करोगी? तो बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये कर लो, उसके बाद में अपना जो है व्यवस्था कर लेना। तो हमने कोई बात नहीं, फिर मैम ने समझा दिया हमको। एक्चुअली वो बहुत इजिट मैम थी, तो जब भी वो मुझे कुछ बताती थी तो मुझे उनकी बातें दिमाग में टच कर गई। तो फिर मैं कैबिन से बाहर आ गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताई पूरी बात, तो हस्बैंड ने कहा कि बात मान लो, तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में जो है, उसके बाद फिर मैं डाउट में हो गई कि क्या करूं, मतलब कैसे, वही दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली हमारे हमारे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार का जो भी करना है वो हमें खुद ही करना था, कुछ भी काम हो, कोई भी, मतलब कोई भी चीज हो, तो कोई बात नहीं। फिर ऐसा था कि मेरे दिमाग में ये था कि मेरी जो पहली बेटी हुई थी उस समय मुझे प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे लोगों को होता है महक लगना, ये चीज नहीं अच्छी लग रही, वो चीज अच्छी नहीं लग रही, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा, तो मैं मैनेज कर लूंगी। तो इस चक्कर में मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं, फिर हमने रख लिया। उसके बाद में क्या होता है, धीरे 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 टाइम गुजरने लगा, फिर लगभग 4 मंथ हो गए थे। 4 मंथ बाद हमने अपना अल्ट्रासाउंड कराया वहीं जहां मैम के पास गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी, अल्ट्रासाउंड होने के बाद भी हमको ये पता ही नहीं चला कि हमारी ट्विंस
प्रेगनेंसी है, जबकि आप समझ सकते हैं 4 महीने हो चुके थे, 4 महीने में मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लेकिन क्लियर नहीं हुई तो हम वहां पे अनजान ही बने रहे। फिर हम घर पे आ गए तो प्रॉब्लम ये थी कि जो पहली मेरी प्रेगनेंसी थी उसकी अपेक्षा इस बार मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब उसमें मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम ही हो रही थी। सबसे पहली चीज बता दूं आपको कि मुझे वोमिटिंग होती थी, मतलब शुरुआत के लगभग वही तीन से चार महीने जो भी होता है उस सब इस मतलब उसमें मुझको वोमिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इसमें मुझे वोमिटिंग होती थी, महक लगती थी। और जो है मोमोज जो होते हैं, ये रोल होते हैं, इनकी महक बहुत बुरी लगती थी, इनकी चटनी की महक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मैं बड़ा परेशान हो गई, क्योंकि ऐसा तो मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई करने वाला नहीं है। तो फिर हस्बैंड ही क्या करते थे, कभी दाल बना ली, मतलब थोड़ा बहुत चटपटा खा लेती, चावल ज्यादा अच्छे लगते थे, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं अच्छी लगती थी। तो चावल या फिर कोई वैसी थोड़ा बहुत तीखा वीखा, कोई बात नहीं, ऐसे करते करते कभी काम चलता रहा। फिर धीरे धीरे जैसे 5 महीने होने के बाद में आपको पता है फिर महक वगैरह कुछ नहीं लगती है, फिर सब नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा था कि मुझे इस बार प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, जैसे दर्द बहुत रहना और बहुत ज़्यादा भारीपन रहना, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी। लेकिन मुझको ये पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम, हम इस बात से अनजान थे कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है, कोई बात नहीं। तो मैंने इनसे बोला भी, मैंने कहा मुझे इस बार दिक्कत बहुत होती है, समझ में नहीं आता है, काम करती हूँ मतलब बैठ नहीं पाती थी 5वें महीने से। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम होने लगा, पेट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से हम दोबारा फर्रुखाबाद जा ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बैठ नहीं पाते थे कंटिन्यू। तो फिर हमने क्या किया, जो फिर हमने कोई बात नहीं, टाइम निकलता गया धीरे धीरे, जैसे तैसे मैनेज करते थे। तो जो मेरी बेटी की, जिन्होंने डिलीवरी की थी, नॉर्मल डिलीवरी मेरी बेटी की हुई थी और घर पे ही हुई थी, तो उन्हीं को मैंने दोबारा बुलाया। फिर मैंने उनसे बात करी, तो जैसे दाई वगैरह बोलते हैं ना, वही थी वो, तो वो उनको मैंने बुलाया। तो फिर वो जो आई बोली, जैसे बच्चा वगैरह नहीं हट जाता है, तो उन्होंने मुझको बताया बेटा हट जाता है, तो फिर वो सही कर देती थी फ्रेंड्स, फिर वो आती थी उसके बाद में सही करती थी, तो फिर मुझको आराम मिल जाती थी। फिर 10-15 दिन बाद वही हाल हो जाता था, उसके बाद में फिर हम उन्हीं को बुलाते थे। तो ये फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे ही करते करते टाइम गुजर गया, और उसके बाद फिर 7.5 महीने में हमने दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अब आप यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी लापरवाही समझिए कि 7.5 महीने की जो रिपोर्ट थी अल्ट्रासाउंड की, उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी थी। मतलब मेरा जो छोटा वाला बेबी है उसको पेट में ही दिक्कत हो गई थी। मैं आपके साथ एक वीडियो अपने छोटे वाले बेबी का शेयर करूंगी, फिर मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि प्रॉब्लम हो चुकी थी, लेकिन हमने ऐसे ही डॉक्टर को दिखा लिया था, मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, उसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, पर वो मुझे नहीं बता पाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कृपया आप ऐसा ना करें, आप अच्छे डॉक्टर को ही दिखाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि सब ठीक है, बस बेबी का वेट कम है, आप खाने पीने पे विशेष ध्यान रखिए। तो मैंने क्या किया कि मैं खाने पीने का फिर और ज्यादा ध्यान रखने लगी, मतलब बहुत अच्छे से सही दूध लेना, फल लेना, और जो है डाइट लेना, हरी सब्जियां, दाल वगैरह स्पेशली ध्यान रखने लगी। तो ऐसे करते करते लगभग 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद क्या हुआ, 4 दिसंबर की बात है कि उस समय मेरा टाइम भी नजदीक आ रहा था, तो मुझे अपनी सिस्टर को बुलाना था, क्योंकि कोई था नहीं तो उस समय तो जरूरत पड़ती है। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि पहले तुम पता कर लो भी लगभग कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैं वहां पे गई जहाँ मेरी बेटी के टीके लगते हैं, तो मैं वहां सरकारी अस्पताल पे गई, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो फिर उन्होंने जो है, जब मेरी रिपोर्ट देखी, तब उन्होंने मुझको बिल्कुल क्लियर किया कि आपकी तो ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो उसके बाद में फिर क्या था कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई, क्योंकि बस वही प्रॉब्लम थी कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी। पर खैर कोई बात नहीं, फिर मैं घर पे आ गई। उसके बाद में फिर मैंने 5 तारीख को फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाया कि तो उसमें पता चला कि बेबी का वेट वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सारा मतलब सब ओके था, बस टाइम था, तो बेबी कभी भी हो सकते हैं। तो फिर मैं घर पे आ गई, फिर मैं वेट करने लगी कि आज होंगे कल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी सिम्टम नहीं नजर आ रहे थे होने वाले। तो धीरे धीरे उसमें जो 31 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी थी वो भी निकल गई, लास्ट डेट थी वो भी निकल गई थी। उसके बाद में फिर मैं जो है 1 जनवरी को डॉक्टर के पास गई कि
डॉक्टर के पास गई कि कृपया आप जो है, हमने उनको बात बताई तो उन्होंने फिर मुझको मतलब उन्होंने थोड़ा चेकअप वगैरह किए, फिर उन्होंने मुझको बताया कि आपका जो है बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है तो आपको जो है ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और अगर आप कितना भी वेट करेंगी तो आपके दर्द नहीं होगा। क्यों मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो उल्टे हैं दोनों, तो वेट करना बिल्कुल बेकार है, इससे आपको भी खतरा हो जाएगा और बच्चों को भी होगा। अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो अगर आप अभी सही समय पे करवा लेती हैं तो जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या किया मैंने, तो फिर हमने क्या था, फिर हमें इमरजेंसी में जो है लेना पड़ा डिसीजन। उसके बाद में डिसीजन लेने के बाद में क्या हुआ कि 2 जनवरी को हमने ऑपरेशन करा लिया और हमारे 2 चुन्नू मुन्नू हो गए। तो मैं आपको अगले वीडियो में उनसे जरूर मिल पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।